लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, केंद्रीय सशस्त्र बलों में 10% आरक्षण अग्निवीरों को मिलेगा। सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की बात यहां कही गई है। फिजिकल टेस्ट में भी पूर्व अग्निवीरों को छूट मिलेगी। सीआईएसएफ महानिदेशक नीना सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला अग्निवीरों के भविष्य को लेकर जो बातें उठ रही थी, सवाल खड़े किए जा रहे थे विपक्ष की ओर से, वहां गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला अग्निवीरों के लिए लिया है कि केंद्रीय सशस्त्र बलों में 10% आरक्षण अग्निवीरों के लिए रखा जाएगा। साथ ही पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। तो 10% आरक्षण पूर्व अग्निवीरों के लिए, फिजिकल टेस्ट में भी छूट। हमारे साथ हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि नया नहीं है, ये फैसला इसी साल मार्च के आसपास लिया गया था, जिसमें कहा गया था जो अग्निवीर है उनके उनके फ्यूचर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि जब उनके साल पूरे हो जाते हैं डिफेंस फोर्सेज में, उसके बाद उनका फ्यूचर क्या होगा। जिसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से, खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी कहा गया था कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वहां पर उनको रिजर्वेशन 10% दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया था। लेकिन अब जो इस पूरे मामले को लेकर ये कहा गया है भारत सरकार की तरफ से कि जो ये 10% रिजर्वेशन है, 10% जो आरक्षण है, इसको जल्द लागू करने की तैयारी है, जिसके लिए सीआईएसएफ ने पूरी अब तैयारी कर ली है कि जो अग्निवीर जो अपना टर्म पूरा करेंगे अपने टेन्योर का, उसके बाद इमीडिएटली उनको सीआईएसएफ में 10% आरक्षण के तौर पर जो रिजर्वेशन मिलेगी। और इसके साथ सीआईएसएफ ही बल्कि जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, साथ ही साथ जो असम राइफल्स हैं वहां पर भी उनको रिजर्वेशन की बात के लिए फैसला ले लिया गया था। लेकिन आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ के लिए जो है इम्प्लीमेंटेशन वहां पर जल्द कर दी जाएगी। यानी कि अग्निजामा पहनाने की दिशा में एक कदम आगे अब बढ़ गए हैं, जो फैसला ले लिया गया था। तो फिजिकल टेस्ट में छूट मिलने की बात भी कही गई है। शैलेंद्र, इसमें 10% रिजर्वेशन के साथ साथ में अपर लिमिट को भी इंक्रीज करने की बात थी, और यहाँ भी ये कहा गया था कि जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें भी उनको छूट दी जाएगी क्योंकि वो पहले से ही ट्रेंड होंगे। लेकिन ऐसे में हमने इस पूरे मामले को देखा को लेकर हमने देखा है कि लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सवाल खड़े कर रही थी अग्निवीर को लेकर, और यहां तक कि कांग्रेस ने यहां तक कह दिया था कि वो अग्निवीर अगर सत्ता में आते तो अग्निवीर को वापस वो खत्म कर देंगे स्कीम को। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो फैसला लिया गया था गृह मंत्रालय की तरफ से, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था अब से कुछ महीने पहले, जिसमें कहा गया था अग्निवीर को लेकर कि सेंट्रल फोर्सेज में उनको जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वहां पर उनको रिजर्वेशन मिलेगा, उसको अब अमली जामा पहनाने के लिए अब जल्द इसको अमली जामा पहना लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र वांगू इस पूरी बातचीत के लिए। तो फैसला मार्च में ही ले लिया गया था, लेकिन अब अमली जामा पहनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है, और इसी को लेकर ये जानकारियां निकलकर सामने आई हैं।